हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अडानी टोटल गैस की। रिजल्ट जो है क्वार्टर वन के अच्छे आए, दोपहर में हमने बात की थी। अब यहाँ पर हम डिटेल में बात करेंगे, उसकी रिपोर्ट देखेंगे, कौन कौन से सेगमेंट के अंदर अच्छा खासा जो है ग्रोथ देखने को मिला है। वो ग्रोथ अच्छी है, फिर भी शेयर्स के अंदर जो है तेज़ी क्यों नहीं आई, वो भी हम देखेंगे। कल ही हमने बात की थी, वो वीडियो आप ज़रूर देखें। अगर आपने अब तक नहीं देखी, पूरी वीडियो ज़रूर देखें। आने वाला समय मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके लिए अच्छा रह सकता है। अभी ये रेंज बाउंड में ट्रेड हो रहा है, लेकिन अगर वक्त लग सकता है, अगर कुछ ब्रेकआउट आता है तो इसके अंदर जो है एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। सबसे पहले रिपोर्ट क्या है वो हम देख लेते हैं। पूरी वीडियो ज़रूर देखें, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। और अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर ले हमारे चैनल को। यहाँ पर आप देख सकते हैं अदानी टोटल गैस क्वार्टर वन रिजल्ट, गौतम अदानी की कंपनी का 14% बड़ा नेट प्रॉफिट, CNG से मिला दम। EV चार्जिंग स्टेशन की बारे में भी हम बात करेंगे, और यहाँ पर जो है डिटेल में एनालिसिस है। इसको आप देख सकते हैं कि एशिया के दूसरे सबसे अमीर जो है गौतम अदानी की कंपनी, और ये यहाँ पर आगे हम देखते हैं, इसको आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। रिजल्ट इसका आ चुका है, और ये जो है इसका सबसे पहले तो मुनाफा साल दर साल अगर देखें तो 14% के आसपास बढ़ा, यानी कि 171 करोड़ के आसपास। पिछले साल इसी क्वार्टर में 150 करोड़ था, और रेवेन्यू भी जो है 1240 करोड़ रुपये रहा, पिछले साल ये इतना था। अब यहाँ पर देखें CNG से मिला अदानी टोटल गैस को दम। जब पूरी रिपोर्ट देखते हैं तो आपको कुछ जो है मतलब नया सीखने को मिल सकता है। यहाँ पर आप देखें कि अदानी टोटल गैस ने शेयर बाज़ार को दी जानकारी में बताया कि जून तिमाही में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की शानदार डिमांड को देखने को मिली। जिसके कंपनी की CNG बिक्री वॉल्यूम में 20% की बढ़ोतरी हुई, और ये जो है आगे भी ऐसे ही जो है ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अब आगे देखते हैं, कंपनी ने कहा कि इस दौरान उसने देश भर में 24 नए CNG स्टेशन भी खोले। अब अदानी टोटल गैस का कुल CNG नेटवर्क बढ़कर 927 हो गया है। बता दें कि CNG डिस्ट्रीब्यूशन का सेल्स वॉल्यूम कंपनी की कुल बिक्री का 50% जो है। तो वैसे ही जैसे कि ये जो है 24 नए CNG स्टेशन खोले, ऐसे आगे और जो है इनके बिजनेस बढ़ते हैं तो आगे और भी जो है रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ देखने को मिल सकती है, और उसके बाद शेयर के प्राइस भी इसके अंदर भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। अभी तेज़ी क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि कई बार मैंने बात की कि अभी इसका PE रेशियो हाई है इसके PS के मुकाबले, लेकिन वो आगे नीचे आ सकता है अगर इसका प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ता है। तो आगे देखते हैं, गौरतलब है कि CNG का इस्तेमाल ज़्यादातर वाहनों के लिए हो रहा है। सरकार जो है वो प्रदूषण कम करने का प्रयासों में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दे रही है, ऐसे में CNG की मांग बढ़ रही है। ये आप इस पॉइंट को खास देखें, गवर्नमेंट का भी जो है मतलब कि फोकस इसी के ऊपर है, प्रदूषण कम करने का, और ऐसे में CNG की मांग बढ़ रही है, और उसका असर अदानी टोटल गैस की बिक्री पर भी देखने को मिला। पाइप नेचुरल गैस यानी पाइप वाली रसोई गैस यानी कि PNG में भी कंपनी जो है बिजनेस फैल गया है उसका। अदानी टोटल गैस ने बताया कि उसका दूसरा सबसे बड़ा बिजनेस यानी PNG सेगमेंट का सेल्स वॉल्यूम जून तिमाही में 11% बढ़कर 77 मिलियन क्यूबिक मीटर प्रतिदिन हो गया है। ऐसे में अगर CNG और PNG का कुल मिलाकर वॉल्यूम 230 MMSCM पर पहुंच गया, जो सालाना आधार पर 17% का इजाफा है। तो अच्छी खासी जो है CNG के अंदर और PNG के अंदर इसके अंदर सेल्स के अंदर मतलब कि ये जो है ग्रोथ वॉल्यूम देखने को मिली यहाँ पर। अब यहाँ पर ज़रा देखें बड़े EV चार्जिंग स्टेशन, सो ये बिजनेस भी जो है इसका अच्छा ग्रो कर सकता है। इसके ऊपर हमने डिटेल में चर्चा की है, कल की वीडियो नहीं देखी तो वो पूरी वीडियो ज़रूर देखें, बड़ी वीडियो इसीलिए मैंने कल जो है बनाई थी, डिटेल में हमने इसके ऊपर एनालिसिस की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अदानी टोटल गैस ने 15 राज्यों में 1212 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट चालू किए गए हैं। इसके अलावा अब ये देखें कि अतिरिक्त 740 से ज़्यादा EV चार्जिंग पॉइंट स्टेशन के लिए कंपनियों, सरकार, प्राधिकरण
यानी कि ऑथोरिटीज और जो है पर्यटन विभाग नगर निगम से बात चल रही है। तो अभी जो है ये इतने ईवी चार्जिंग स्टेशन और जो है इसके बढ़ सकते हैं, इसके इसका प्रॉफिट और रेवेन्यू और बढ़ सकता है। अब आगे देखते हैं कि इनकम और ईबीटा में इजाफा। सो एक्सचेंजों को दिए गए बयान में कंपनी ने कहा कि उसकी टोटल इनकम ईयर ऑन ईयर जो है 9.22% बढ़कर 1248 करोड़ रुपए हो गई। पिछले साल की समान तिमाही में ये 1142 करोड़ रुपए थी। इसी तरह कंपनी का कामकाजी मुनाफा यानी कि ईबीटा 21% बढ़कर 308 करोड़ रुपए हो गया। सीईओ ने क्या कहा ये यहाँ पर देख लेते हैं कि अदानी टोटल गैस के ईडी एंड सीईओ सुरेश पी मंगलानी ने कहा कि ये वित्त वर्ष 2025 के लिए एक अच्छी शुरुआत रही। अभी ये शुरुआत है क्योंकि ATGL ने यानी कि कंपनी ने 17% वॉल्यूम ग्रोथ के साथ 21% सालाना ईबीटा वृद्धि हासिल करके एक मजबूत ऑपरेशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिया है। आगे देखते हैं अदानी टोटल गैस की शेयर प्राइस, मतलब कि ये इसका शेयर का प्राइस है, इसको हम चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। सो इसके जो है सीईओ की अगर बात करें तो वो भी काफ़ी यहाँ पर जो मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉन्फिडेंस लग रहे हैं, आगे जो है और भी अच्छा हो सकता है, साल की शुरुआत जो है अच्छी रही यहाँ पर। अब इसके चार्ट के ऊपर चर्चा करते हैं। तो आज के दिन हाई अच्छा खासा बनाया है रिजल्ट के बाद 925 के आसपास का, लेकिन कल ही मैंने बोला था, इसके पहले भी हमने बात की कि अभी इसका पीई रेशियो हाई है, वेट इसके अंदर करना पड़ सकता है, तेज़ी की संभावना रह सकती है। और यहाँ पर अभी जो है ये रेंज बाउंड में है, अगर नीचे गिरावट भी आती है तो इसका जो सपोर्ट है वो करीब दिख रहा है, क्योंकि इसका RSI अभी भी जो है आज के दिन की अगर बात करें तो 46-47 के आसपास है। और कई बार इसने जो है मौके भी दिए हैं, तेज़ी के अंदर जो है थोड़ी सी वक्त लग सकता है, हाँ अगर कुछ पॉजिटिव सरप्राइज न्यूज़ आ जाती है तो बात अलग है, तो जो है एक जल्दी भी तेज़ी आने की संभावना रह सकती है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं। आज भी अगर देखें तो यहाँ तक का हाई बनाया, वहाँ पर टिक नहीं पाया, फिर नीचे आया। वॉल्यूम हम देखें तो आज के दिन डिलीवरी वॉल्यूम थोड़ा सा कम रहा, 7 लाख के आसपास का, लेकिन पिछले समय में पिछले दिनों में अभी अभी अगर हमने देखा है कि अच्छी खासी यहाँ पर जो है डिलीवरी उठी थी, इसके ऊपर भी हमने चर्चा की है। डिलीवरी अच्छी खासी उठी तो उनको भी कुछ ना कुछ जो है दिखा होगा इसी लेवल के आसपास, 900-880 रुपये के आसपास काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी डिलीवरी उठी भी थी। 15 मिनट का चार्ट जो हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर जो रिज़ल्ट आया तब की बात है, उसके बाद एक हाई बनाकर नीचे आया फिलहाल। और यहाँ पर बुलिंजर बैंक को, जो कि हमने दोपहर में भी बात की थी कि ये इसकी मिडिल लाइन को क्रॉस नहीं कर पाया, अगर कल या परसों भी अगर इस लाइन को क्रॉस कर देता है जो 927 के आसपास है, तो फिर 1000 रुपये तक जाने की संभावना रह सकती है। नीचे में अभी भी 850 रुपये के आसपास इसका सपोर्ट दिख रहा है। इन तीनों ही लाइन के अंदर डेली और वीकली चेंजेस होते रहते हैं। RSI ज़रा देखें, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रहा है, 47 के आसपास ऑलरेडी पहुँच चुका है। तो अगर नीचे में आता भी है थोड़ा बहुत 50-70 रुपये तो भी वहाँ पर एक इसको अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। और यहाँ पर अगर देखें, कल भी हमने बात की थी कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना हो सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये वॉलेटिलिटी जो है वो रह सकती है, क्योंकि इसका अभी पी रेशियो हाई है, क्योंकि आज इसके रिजल्ट है, इसी वजह से फंडामेंटली हम बात कर रहे हैं। तो प्रॉफिट और रेवेन्यू को जो है इसके अंदर ग्रोथ आने में वक्त लग सकता है। कल जो है कुछ और भी शेयर के जो है उसके चार्ट में आपको शेयर करूंगा कि वो भी जो है कुछ ऐसे शेयर जो है वो एक रेंज बाउंड, जैसे कि अदानी पावर, सुजलोन एनर्जी एक रेंज बाउंड थे, फिर इसके अंदर तेज़ी आई। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हर एक शेयर का एक वक्त होता है। अभी ये रेंज बाउंड है, लेकिन उसके अंदर भी जो है कई लोगों को मतलब कि फ़ायदा भी हुआ होगा, क्योंकि रेंज बाउंड के अंदर भी जो है नीचे में जो है ख़रीदने की कोशिश अगर किसी को करनी है तो कर सकती है, ऊपर में बेचने की कोशिश करनी है तो कर सकती है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं। इस तरीके से जो रेंज बाउंड होता है शेयर, अभी इसकी बड़ी रेंज की अगर बात करें तो नीचे में 800 रुपये के आसपास, ऊपर में 1200-1250 रुपये के आसपास का एक रेंज चल रही है। छोटी रेंज की बात करें तो नीचे में 800 रुपये अभी भी सपोर्ट, तो जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि 800 रुपये ही हो सकता है, और ऊपर में जो है 1000 रुपये के आसपास का जोन, तो ये एक इसकी छोटी रेंज बनी हुई है। और इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम देख लेते हैं, जो कि अभी 890 के आसपास है, पहला सपोर्ट एरिया इसका 875, उसके बाद जो है 850 का जोन, ये इसके जो है नज़दीकी दो सपोर्ट दिख रहे हैं, और नीचे में जो है 830 से लेकर 810 का जोन।
और अभी जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट टर्म की बात करें तो 800 से नीचे जाने की संभावना जो है यहाँ पर अभी कम दिख रही है। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो आज जो इसने हाई बनाया उसी लेवल के आसपास इसका जो है पहला रजिस्ट्रेशन उसके थोड़ा सा नीचे हो सकता है 915, उसके बाद जो है 930, उसके नीचे उसके ऊपर अगर देखें तो तकरीबन 960 से लेकर उसके बाद 1000 रुपये के आसपास का जोन। तो इसके ये शॉर्ट टर्म के जो है रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं। जैसे कि मैंने बात की कि कुछ शेयर जो है, कुछ लोग क्योंकि हमें कमेंट करते हैं कि वो शेयर बढ़ गए वो शेयर बढ़ गए, लेकिन ऐसा होता रहता है, कुछ शेयर जो है अंदर तेज़ी आती है, कुछ के अंदर जो है गिरावट भी आती है, कुछ रेंज बाउंड भी रहते हैं, वो टाइम टाइम की बात होती है। उसके जो शेयर बढ़ गए हैं उसके अंदर भी उन्होंने भी जो है उनके इन्वेस्टर को हो सकता है कि काफ़ी वेट कराया हो, वो भी काफ़ी देर तक इस तरीके से रेंज बाउंड रहे हो, उसके ऊपर भी जो है हो सकेगा तो कल चर्चा करेंगे। जैसे कि अदानी पावर, सुजलोन एनर्जी की जैसे बात करें, वो रेंज बाउंड काफ़ी टाइम से थे, ये तो उसके इसके अंदर तो इतना टाइम हुआ भी नहीं, छः महीना या 12 महीने ही हुए, और नीचे में जो है एक 550-540 के आसपास से अच्छा खासा इसने हाई भी बनाया था 1250 के आसपास का। अभी ये 1200-1250 को क्रॉस करता है उसके बाद और तेज़ी की संभावना रह सकती है। और कल भी हमने इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, कुछ और भी डिटेल आती है तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल चार्ट काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं और कुछ कई लोगों को आपको इसके अंदर कुछ नया सीखने को भी मिल सकता है। सो आज के वीडियो में इतना ही, और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल के रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।